धनबाद टुंडी रोड स्थित जिले के कन्हैया लाल मणि वृद्धा आश्रम आज फिर एक दुखियारी गरीब माँ वृद्धा की सहारा बना। माही मन मंदिर माही पूजा, माही मन मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न रोजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही मंदिर माही पूजा। दुखियारी माँ को उनके परिजन एवं पुत्रों ने घर से निकाल दिया था। वो लाचार एक दुकान के बाहर पड़ी हुई थी और भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रही थी। धनबाद के हीरापुर के दुकानदार अनिल वर्मा ने इसकी जानकारी लालमणि वृद्धा आश्रम के संचालक नौशाद गद्दी को दिया। श्री गद्दी ने तत्काल वहां पहुंचकर उस वृद्धा माता की जानकारी ली। वृद्ध माता जिले के दामोदरपुर की रहने वाली है। उनके पुत्रों ने उसको अपने साथ रखने से असमर्थता दिखाई और उस महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया। उनकी लाचारी को देख आश्रम से आए लोगों ने उस वृद्ध महिला को आश्रम में ले आए। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न रोजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न रोजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न रोजा। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न रोजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न रोजा। माही मंदिर। अध्यक्ष नौशाद गद्दी ने कहा कि जिले में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन बहुत है जिसे आर्थिक मदद भी मिलती है, परंतु ऐसे जरूरतमंदों की मदद की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आश्रम को सरकारी एवं प्रशासनिक मदद के लिए प्रशासन से सहयोग की मांग की। आज अनिल कुमार वर्मा जी का फोन आया, दो दिन से आ रहा है। एक वृद्धा है जो घर से निकाल दी गई है, उनके बच्चे लोग ये दामोदरपुर से रहने वाले, और इन लोगों का कहना है कि भाई इनको रहने रहने का बहुत दिक्कत है। बहुत प्रयास के बाद बोले चलिए देखते हैं। देखने के बाद इसको देखकर माया आ गया कि ऐसे बुजुर्ग को भी बच्चे लोग निकाल देते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और इस काम के लिए हमारा लालमणि वृद्धा आश्रम आगे है, लेकिन हम एक अपील करना चाहते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से, डीसी साहब से, कि हमारे आश्रम पर भी एक निगाह दें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश। के माध्यम से फोन आ रहा था दो दिन से कि एक बूढ़ी माँ हमारे दुकान के आगे में खड़ी है, तो दामोदरपुर की बता रही है। वो अपने उनके घर वाले को घर से निकाल दिए हैं, तो हम लोग पूरी टीम यहाँ पर आए हैं और बूढ़ी माँ को लेने के लिए, और बूढ़ी माँ को ले कर जा रहे हैं हम लोग। और हमारा आश्रम ये गरीब लोगों के लिए ही है जिन्हें हम लोग सेवा दे रहे हैं और खाना पीना सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं,
लेकिन हम प्रशासन से ऐलान करना बताना चाहते हैं कि एक तरफ आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं जहां आप अपने फंड को दे रहे हैं, लेकिन वहां बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप का कोई रोल नहीं है, कोई है नहीं। और एक हमारा आश्रम कुछ भी नहीं मिलता है गवर्नमेंट से, फिर भी हम लोग आश्रम चला रहे हैं। इस पर थोड़ा विचार किया जाए जिससे हम लोग भी आगे बढ़े और हमारे बूढ़ी माँ बूढ़े बाप अधिक से अधिक आए यहाँ और रहें, जिसकी सेवा हम लोग कर सकते हैं। चार दिनों से यहाँ पर ये लाचार बूढ़ी बैठी हुई थी, तीन दिन से हम लोग खाना पीना इनको दे रहे थे, घर वाले का पता पूछ रहे थे, ये कुछ भी नहीं बताने को तैयार हो रही, बता नहीं पा रही। तो हम लोग इसको लास्ट में लालमुनि वृद्धाश्रम के सदस्यों को खबर कर इनको उनके सुपुर्द करने का इच्छा प्रकट किया, तो उन्होंने आकर इनको अपने सुपुर्द साथ में लेकर चले जाए। मौके पर सुरेंद्र यादव, विजय सिन्हा, बी सुधीर आदि उपस्थित थे।